आज सुबह सुबह पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही, बल्कि बहुत बुरी खबर आ रही है। गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। गैस पाइपलाइन फटे 12 घंटों से ज्यादा गुजर गए। कभी हम देखते हैं बलूचिस्तान में अटैक हो रहा है, कभी हम देखते हैं अपना क्या नाम लेते हैं डेरा इस्माइल खान में अटैक हो रहा है, अभी आज डेरा इस्माइल खान में अटैक हुआ है। इनकी एक गैस पाइपलाइन राजनपुर एरिया में, उसको कुछ लोगों ने कल रात आईडी लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा ये मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो लिफाफे लेकर खामोश हो जाता है, ये इनकी आवाज क्यों नहीं बने? क्या मांगते हैं वो? सिर्फ अपना हक। वो कहते हैं कि हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा बेटा। हम अपने प्यारों के लिए उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जिस वक्त तक हमारे प्यारे नहीं आ जाते, लेकिन ये रियासत ऐसे है कि हमारी बात भी नहीं सुनता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मलंद एरिया में चल रहा है एक हमला, दहशत गर्दी का एक बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 10 पुलिस ऑफिशियल्स, 10 पुलिस अहलकार जाम हक हो चुके हैं। अब बलोच कौम बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी बागैरत कौम है, सिर्फ वो हक मांगती नहीं है, लेकिन वो मजबूर है, इस आईन का वो पास कर रही है। आप कैसे उनको कह सकते हैं कि वो दहशत गर्द है? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी आर्मी का जो वो आउटपोस्ट है या जो उसका जो DGISPR है, वो आकर के डिनाई कर दे कि ये खबर गलत है, मैं मान लूं। और ये भी खबर सामने आ रही है कि सुबह सुबह या रात गए, यानी अभी अंधेरा ही था सुबह होने में, कि जिस वक्त ये हमला हुआ है 10 से ज्यादा जो फोर्सेस के जवान है उनकी जाने गई है, पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस हमले की वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे पास आया है। ये है वीडियो। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान पर हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कभी ईरान हमला करता है, जब वो हटता है तो अफगानिस्तान से तालिबान हमला करता है, और जब तालिबान हटता है तो बलूचिस्तान के अंदर BLA की आर्मी पाकिस्तानियों को ठोकने लग पड़ती है। इसी बीच में बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन पर एक बड़ा धमाका करके गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया, और साथ में पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर वहाँ पर 10 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई, क्योंकि वहाँ की पुलिस, वहाँ की आर्मी बलूचिस्तान में वहाँ के लोगों को अगवा कर लेते हैं जो पाकिस्तान से अपना हक मांगते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी ये सोच रही है कि वो किस बॉर्डर पे लड़ाई करे, ईरान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, भारत की तरफ, या फिर इंटरनली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मलंद एरिया में चल रहा है एक हमला पाकिस्तानी आर्मी पर। आज सुबह से इसमें बड़ी कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड हैं, और कैजुअलिटीज जो एक्सपेक्टेड हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस हमले की वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि मेरे पास आया है। यह है वीडियो। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी आर्मी का जो वो आउटपोस्ट है या जो उसका जो DGISPR है, वो आकर के डिनाई कर दे कि ये खबर गलत है, मैं मान लूंगा। ये वीडियो गलत है, झूठा है, मैं मान लूंगा झूठा है। ये वीडियो बड़े मुश्किल से आया मेरे पास तक, मैंने बड़ी कोशिश के बाद निकाला, खैर जो भी है वो कहानी अलग। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी हर बार डिनाई करती है कि बलूचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, तो ये वीडियो कहां से? साथ में मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इनकी एक गैस पाइपलाइन है राजनपुर एरिया में, उसको कुछ लोगों ने कल रात आईडी लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया। ये 36 इंच की और 30 इंच की और 16 इंच की पाइपलाइन है राजनपुर एरिया में। ये सुई गैस से पंजाब और NWFP ले जाती है, आप खैबर पख्तूनख्वा का नाम हो गया उसका, ले जाती है पाइप गैस को। इसको कुछ लोगों ने आकर के नीचे लगाया एमिनेशन आईडी और इसे उड़ा दिया। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि हम तो बड़े महान हैं, और अब्दुल के और अजीज के और बाबर के और किस किस के, गाजी गजनवी। ये राजनपुर नाम कौन सा है? राजनपुर तो हिंदू नाम है ना यार, राजन तो कोई वर्ड नहीं हुआ, राजन तो संस्कृत वर्ड है, तो ये राजनपुर एरिया कैसे हो गया राजनपुर में? अच्छा, इस पाइपलाइन पे पहले भी हमले होते रहे, इस बार दोबारा हमला हुआ है। इस पाइपलाइन को बार बार तोड़ा क्यों जाता है? इस पाइपलाइन को इसलिए तोड़ा जाता है कि गैस सप्लाई, वो एक तो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज बाहर ना जाएं, दूसरा
बलूचिस्तान की कैश पे वो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है वो एक्शन ना करे। वैसे ही पंजाब में गैस आती है, एक घंटा फिर नहीं आती, फिर एक घंटा आती है फिर नहीं आती, ये अलग। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और खबर यह है कि पाकिस्तान के एक थाने पर, एक पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला हुआ है जिसके नतीजे में 10 पुलिस ऑफिशियल्स, 10 पुलिस अहलकार जाँ बहक हो चुके हैं, अपनी जान से जा चुके हैं और 6 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसमें जो लड़ाई हुई है पुलिस ऑफिशियल्स और दहशतगर्दों के बीच वो घंटों तक जारी रही है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि सुबह सुबह या रात गए, यानी अभी अंधेरा ही था सुबह होने में कि जिस वक्त ये हमला हुआ है, और उस वक्त डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया, पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई जारी रही। कई घंटों की ये लड़ाई थी, 2.5-3 घंटे कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया पे कम बताया जाता है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा घंटों तक ये लड़ाई जारी रही हो। और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। आज से 2-4 दिन पहले की ये खबर थी कि बलूचिस्तान मच के मुकाम पे तकरीबन 100 के करीब जो अटैक हुए हैं वहां पे कई लोगों की जानें गई हैं। आज फिर खबर है कि बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ ही डेरा इस्माइल खान है वहां पे भी फोर्सेज के ऊपर अटैक किया गया है, 10 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अभी अकल के जो है वो होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि देखिए सन 1971 में आपने मशरकी बंगाल को जो है वो गवा दिया, तब जालिब साहब ने लिखा था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। और आप देखें उस वक्त हमने आधा पाकिस्तान गवा दिया, आज बलूचिस्तान के साथ भी वही तमाम मामलात और वही हालात का सामना है। अभी हमें उठकर खड़ा होना होगा और उनके हकूक की जंग अपनी हक की जंग समझकर लड़नी होगी, तभी हम उनका जो है वो हक अदा कर सकते हैं। ऐसी जब शख्सियात हमें मिलती हैं, ऐसी सोच जब पाकिस्तान में, पंजाब में आज भी अगर मौजूद है, कहीं ना कहीं उम्मीद मौजूद है। अच्छा 1971 में भी हमने ये इल्ज़ाम लगा दिया जी इंडिया की साजिश है, अपनी गलतियों को हमने नहीं मानी। आज भी बलूचिस्तान के अंदर भी हम इंडिया जो है वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। हबीब जालब साहब को इंडिया से बहुत से लोग सुनते थे, मैं ये समझता हूँ वहाँ पे बहुत फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो हमेशा सच की बात करते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इंडिया ये कर रहा है, उन्होंने तो ये कहा हम खुद कर रहे हैं। देखिए जी सबसे बड़ी बात ये कि हबीब जालब साहब ने कभी, मैं ये बात आपके चैनल के तवसुत से ये जो मिसकंसेप्शन है इसको क्लियर करना चाहूँगी कि जालिब साहब ने कभी किसी इदारे की मुखालफत नहीं की थी। उनकी मुखालफत थी अगर फौज के साथ तो इसी बात पर थी कि सरहदों पर अमन हो और आप अपनी अपनी बैरकों में वापस जाएं। जो आपके जो हमारा एक बल फौज के पास एक्स्ट्रा जाता है वो हमारी तालीम पर हो, हमारे सेहत पर हो, हमारी बुनियादी, आप उनको उनका हक अदा कर दें, दे दें उनका हक जो वो मांगते हैं।